सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का पार्ट है कि नहीं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया का पार्ट है, वहाँ पे आपको जाने के लिए पासपोर्ट या कोई भी टाइप की वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंडिया के ईस्ट कोस्ट में आता है, यानी कि आपको सबसे आसान तरीका वहाँ पे पहुँचने का होगा बंगाल से लेके चेन्नई के यहाँ से कहाँ से भी जाने के लिए। अंडमान जाने का बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर तो होता है अक्टूबर से लेके मई महीना, जहाँ बारिश नहीं होती है। मॉनसून सीजन आपको जून से अक्टूबर रहता है, तो मैं वो टाइम पे आपको जाने अवॉइड करने बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करने या देखने नहीं मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार पहुँचने के लिए केवल आपको दो ही तरीके हैं, एक बाय एयर और दूसरा है बाय शिप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बाय एयर कैसे जा सकते हैं, जो सबसे कन्वीनियंट तरीका है वहाँ पहुँचने का। अंडमान्स में आपको जब पहुंचेंगे तो वहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में आपको वहाँ की सबसे बड़ी और ओनली एयरपोर्ट मिलेगी, जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। यहाँ से आपको बहुत सारे जगह फ्लाइट आती है, मेनली चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और बेंगलोर से मेनली फ्लाइट यहाँ पर आती है। एयर इंडिया, गो, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, ये सारे रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट करती है फ्रॉम दीज प्लेसेस टू पोर्ट ब्लेयर। आपको इसके अलावा अगर बाय शिप जाना है तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि केवल चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से ही शिप सेल होती है, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा मिलेगी नहीं। महीने में आपको 3 से 4 शिप्स ही जाते हैं और वो कोलकाता, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर ज़्यादा जाते हैं। इसके अलावा आपको ये जानने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा कि अगर बाय शिप आप जा रहे हो तो आपको 50 से 60 घंटे लग सकते हैं अच्छे वेदर में अंडमान पहुँचने के लिए इन पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार जाने के लिए आपको आपकी बजटिंग करनी पड़ेगी, तो अभी बजट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर एज अ बजट ट्रैवलर अगर आप जा रहे हो तो आपको दिन में रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 2000 रुपये तक पड़ सकता है, पर उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक मिड रेंज ट्रैवलर हो और थोड़े बहुत आप होटल्स पे खर्चा कर सकते हो और ट्रांसपोर्टेशन बेटर अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको 3 से 6 हज़ार रुपये के बीच में बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिल जाते हैं पर डे का विद इन बजट विद स्टे। और अगर आप लग्जरी सेगमेंट में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें ऑल इंक्लूसिव 7,000 रुपीज़ पर डे आपको आसानी से पड़ जाएगा टू कवर एवरीथिंग इन ग्रेट लग्जरी। इसके आगे में अब मैं आपको बताता हूँ आपको स्टे ऑप्शंस और खाने पीने में हर सेगमेंट में क्या क्या चॉइसेस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट कैटेगरी में आपको काफ़ी सारे होटल ट्विन शेयरिंग बेसिस पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको 900 से लेके 1000-1200 के बीच में ढेर सारे ऑप्शंस है जो आपको पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक के आसपास मिल जाएंगे। ये काफ़ी डिसेंट है और अगर बजट पे हो तो आपके लिए दिस शुड वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिड रेंज बजट में अगर आपको रहना हो तो आपको क्या क्या ऑप्शंस है। तो वंस अगेन जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ये प्रॉपर्टीज़ है, जैसे होटल शैम्पेन, ब्लू लगून रिजॉर्ट, नील आइलैंड में कोकोन हट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और इट स्टार्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ 2000 रुपीज़ ऑल द वे टू 4000 रुपीज़। तो आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे टाइप का प्रॉपर्टी चाहिए। एंड फाइनली बात करते हैं कि लग्जरी सेगमेंट्स में आपको क्या ऑप्शंस है। तो लेमन ग्रास, रेड कार्पेट, डी फॉरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे होटल्स आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में पड़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 7000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है एंड बहुत सारे इंटरनल एक्टिविटीज़ भी का ऑप्शन आपको दिया जाता है ये सारे प्रॉपर्टीज़ में। तो टूरिस्ट प्लेसेस डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अंडमान एंड निकोबार में ढेर सारे आपको एक्टिविटी स्पोर्ट्स करने मिलेंगे और वो बहुत ही अच्छे और बढ़िया प्राइस पॉइंट्स में भी आपको अवेलेबल है। तो आपको कुछ चीज़ों का प्राइस के बारे में एक आइडिया दे देता हूँ तो आपको प्लानिंग करने में भी ईजी पड़ेगी। तो जैसे कि अगर आपको स्कूबा डाइविंग करना है वहाँ पर, तो पर पर्सन का 3,500 रुपया कॉस्ट है। आपको अंडर वाटर सी वॉक करनी है तो वंस अगेन 3,500 रुपया आपको कॉस्ट पड़ेगा। आपको बनाना बोट या जेट स्की राइड करनी है तो 600 रुपया आपको राइड्स का पड़ेगा। आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस जो वहाँ का सेमी सबमरीन है वो आपको देखना है तो आपको 1800 रुपये पड़ेंगे लगभग पर पर्सन का। और आपको ग्लास बॉटम बोट एंजॉय करनी है राइड तो आपको 750 रुपीज़ पड़ेगी पर पर्सन। अंडमान एंड निकोबार में देखने और एक्सप्लोर करने के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये एक आइलैंड है तो आपको यहाँ पे ढेर सारे बीचेस मिलेंगे ऑन ऑल 4 साइड्स। इनफैक्ट आप यहाँ की जब बीचेस पे रहोगे तभी आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंडिया में नहीं कोई बहुत ही एग्जॉटिक फॉरेन लोकेशन में हो, जैसे कि मालदीव्स।
तो आपको यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनमें से मेजर बीचेस जो है वो है राधानगर की बीच, जो एक ब्लू फ्लैग बीच है, जो बहुत ही क्लीन और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाली बीच है। इसके अलावा आप लालजी बे बीच में जा सकते हो लक्ष्मण आइलैंड में, लक्ष्मणपुर बीच में जा सकते हो नील आइलैंड में, और इसके अलावा आप आइलैंड हॉपिंग भी कर सकते हो, जहाँ पे आप जा सकते हो नील आइलैंड में और रॉस आइलैंड में भी। टूरिस्ट प्लेसेस एक मेजर जो वहाँ पे देखने के लिए है वो वहाँ पे सेल्यूलर जेल भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो, तो लाइट एंड साउंड शो भी एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे। एंड ऑल इन ऑल आपको देखने करने के लिए आपको अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और फन चीज़ें हैं करने के लिए। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन इन अंडमान एंड निकोबार काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये एक आइलैंड है, आपको कोई कोई जगह पे जाने के लिए आपको फेरी बोट पकड़ के जानी पड़ेगी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सरकारी फेरी एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज की फेरी वहाँ पे मिल जाती है। गवर्नमेंट की फेरी थोड़ी सस्ती पड़ती है, पर आपको ओनली ऑफलाइन बुकिंग यानी कि टिकट काउंटर पे जाओगे तो ही टिकट मिलेगी, और ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो आपको प्राइवेट कंपनीज की टिकट मिल जाएगी फेरीज की। इसके अलावा बाय रोड आपको जाओगे तो आपको वहाँ पे गाड़ी या रिक्शा ढूंढने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बट बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे गोवा टाइप का यूज़ करते हैं टू व्हीलर रेंट लेके। आपको वहाँ पे टू व्हीलर स्टार्टिंग फ्रॉम 400 रुपीज़ मिल जाएगी, जो एक्टिवा टाइप की एक टू व्हीलर रहेगी, एंड उसके ऊपर जैसा भी आपको पसंद है वैसा आपका बजट बढ़ता जाएगा फॉर द टू व्हीलर रेंटल्स। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको अंडमान एंड निकोबार का ट्रिप करने के लिए कितना दिन लगेगा। मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप अंडमान एंड निकोबार 4 नाइट 5 डेज या 5 नाइट 6 डेज में आसानी से कवर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या टाइप की एक्सप्लोरेशन करनी है और क्या टाइप की एक्टिविटी और बजट लेके जा रहे हो। बजट ट्रैवलर्स अगर रहोगे तो मेरे हिसाब से आपका 3 से 4 दिन में काफ़ी सारा चीज़ कवर हो जाएगा, और अगर आपको स्कूबा डाइविंग या वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक फुल डे आपका उसके लिए चला जाएगा, तो आप 5 नाइट और 6 डेज रखिए। उसमें आइलैंड हॉपिंग, टूरिस्ट साइट्स, आपकी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, स्कूबा डाइविंग, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और जहाँ तक बजट की बात है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो आप अपने हिसाब से आपका बजट पकड़ के चलिए, तो आप उस हिसाब से पूरा अंडमान एंड निकोबार बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज। और अगर अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन और फैमिली के साथ जुड़ जाइए। तभी तक मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।